हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई। आप लोग बेटा बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, मतलब पढ़ाई से बने में आगे बढ़ते हुए। अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है, तो बेटा वो नहीं तो ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा मिलेगा बेटा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन देगा तब, भाई नहीं देगा तो बात की बात है, भाई देना तो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेपरेट होते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहा है बेटा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बेटा आपके 2 सर्कल बेटा यहाँ दे रखे हैं, बेटा एक सर्कल ये हो जाएगा भाई, इसकी रेडियस बेटा हमको 8 मान लो दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। भैया इसकी बेटा रेडियस हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया। भाई देखो हमको कह रहे हैं कि बेटा उस सर्कल की बेटा रेडियस फाइंड करो। भाई मान लो ये बड़ा सर्कल तो हो जाएगा, बेटा इसकी हमको बेटा रेडियस यहाँ क्या जाएगा, बेटा हमको इसकी बेटा रेडियस हमने आर माना, ये बेटा को फाइंड करना कह रहे हैं, जिसका बेटा एरिया क्या हो जाएगा, जिसका एरिया द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द, भाई इनके दोनों छोटे बड़े छोटे सर्कल के एरिया के बेटा इक्वल हो जाए। हमको क्या निकालना यहाँ पर है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा उस सर्कल का बेटा एरिया फाइंड करो जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के बेटा एरिया के इक्वल है। तो ये हमको क्वेश्चन कह रहा है बेटा। मैंने ऐसे इसको इमेज के थ्रू क्वेश्चन को दिखा दिया है। रात के बेटा 1 बज गए हैं, लेकिन अपना काम करने में मज़ा आती है भाई। रात 1 बजे या 2 बजे भाई मज़ा आती है ना बेटा। क्वेश्चन में हम लोग इतना हो चुका है भाई। देखो इसको बेटा हम लोग क्या, हमको बड़े वाले बेटा सर्कल की बेटा हमको रेडियस में फाइंड करनी, कैसे करेंगे बेटा? लिखेंगे रेडियस ऑफ बेटा, इसको मैं क्या लें, इसको सेंटर ओ मान लो, ये बेटा सेंटर पी हो जाएगा बेटा, ये आपका पी हो जाएगा भाई। 3 सर्कल हमको यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल भाई कौन सर्कल बेटा, जिसका सेंटर ओ दे रखा है बेटा, ये कितना हो जाएगा भाई, हमको 8 सेंटीमीटर हमको यहाँ रेडियस इसकी दे रखी है। देखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल भाई, किस सर्कल की त्रिज्या हमको बतानी है भाई, क्यू वाली हो जाएगी, इसकी हमको 6 सेंटीमीटर यहाँ बेटा आपका हो जाएगा। बेटा हमको देखो जो हमने मानी है पी मानी है, बेटा हमको गिवन का दे रखा है, लिखेंगे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। देखो बेटा इसको अगर सर्कल बेटा 1 मान लो, ये पर 2 हो जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ बेटा सर्कल 1 प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ बेटा सर्कल, ये आपका 2 हो जाएगा भाई, इक्वल बेटा इसको हम लोग 3 मान लेंगे। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा हमको उस सर्कल की त्रिज्या बताओ, रेडियस बताओ, तो जिसका एरिया इन दोनों बेटा सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल भाई हमने 3, इसको सर्कल 3 बेटा हमें यहाँ मान लिया है बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई। भाई देखो इसकी रेडियस को बेटा क्या मान लो, भाई देखो इसको R3 मान लो, ये बेटा आपका मान लो R1 हो जाएगा, इसकी बेटा क्या मान लो R2 मान लो, तो देखेंगे पाई R1 का स्क्वायर बेटा प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बेटा हमको R3 स्क्वायर बेटा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखो इस दोनों बेटा पाई कॉमन ले लो, तो बेटा देखो R1 का स्क्वायर बेटा प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये बेटा जाएगा पाई R3 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। भाई पाई से पाई पूरा आपका यहाँ पर कट जाएगा। भाई देखो R1 की बेटा वैल्यू 8 दे रखी है, तो बेटा 8 का ये स्क्वायर हो जाएगा। भाई R2 की 6 दे रखी वैल्यू, तो आपका 6 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। भाई R3 बेटा हमको यहाँ पर निकालना है, तो देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36 बेटा हमें यहाँ पर आ जाएगा। भैया R3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, भैया कितना जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, ये आपका R3 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ये आपको पता है बेटा, 100 को आप 10 का बेटा स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो बेटा, यह आ जाएगा, ये आपका R3 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर का कट जाएगा, तो बेटा R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हमारे यहाँ 100 सेंटीमीटर बेटा, ये कितना जाएगा बेटा, हमारा 10 यहाँ पर बेटा आ जाएगा। बेटा हमको उस सर्कल की त्रिज्या मिल जाएगी बेटा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, हमारा 10 बेटा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटा अभी हम ऐसे इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। भाई देखो छोटे से क्वेश्चन है, मुझे लगा भाई देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था सर पहला है बेटा, दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें बोला गया था कि उस सर्कल के बेटे रेडियस फाइंड करो जिनका बेटा सर्कमफ्रेंस शेष 2 छोटे सर्कल के इक्वल हो जाएगा, तो इसमें बेटा सर्कमफ्रेंस था, ये बेटा आपका एरिया हो जाएगा। भाई देखो मैंने दोनों टाइप के सवाल आपको करा दिए हैं, तो मान लो अगर इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन पिक करेगा बेटा, हल्के क्वेश्चन उठाएगा, तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन उठा सकता है। भाई देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है,
तो उम्मीद हम करते हैं, उम्मीद आप भी रखो पढ़ाई से, बेटा पढ़ाई करते रहो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।